चेतन कपूर ने NHPC ले रखा है करीब करीब 92 रुपये के प्राइस पर। लगता है ये लोग फिर से अपनी उसी रफ्तार को पकड़ेंगे। देखिए ये कहना थोड़ा जल्दी है कि उसी तरह का मूव देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज है कि स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की। 80 रुपए 75 रुपए पे काफी बार स्टॉक ने सपोर्ट दिया है, अब एक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है जो कि 96-97 की रेंज में है। एक बार उसको ब्रीच कर जाएगा तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछला भाव 115 रुपए के आसपास था उसको स्टॉक टेस्ट कर सकता है। ओके, कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ी और उसका असर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे उतना नहीं हुआ जितना लग रहा था। HPCL बहुत मामूली सा 4-5 रुपये नीचे, और BPCL तो ग्रीन में है। फ़ायदा ज़्यादा ONGC और OIL टाइप के शेयर्स को हो रहा है। माना जी, ऑयल स्पेस में कोई आपको पसंद आ रहा जो अभी खरीदारी करनी चाहिए? देखिए ऑयल स्पेस में ONGC में डेफिनेटली अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। ऑयल इंडिया की बात करिए तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पे ऑयल इंडिया मैं प्रेफर करूंगा, 600 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 750 तक के टारगेट्स ऑयल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। और ध्यान रखिए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ये इसमें जो ट्रेंड है वो बुलिश है। कल भी IOC और HPCL ने ब्रेकआउट दिए थे। मेरा समझना है कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ना बनाए, खरीदारी ना करें लेकिन शॉर्ट पोजीशन ना बनाए, क्योंकि शायद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ओके, शॉर्ट बनाने की गलती ना करें भले ही आप इससे दूर रहें, क्योंकि OMCs में गिरावट नहीं है, कमजोरी कहीं देखने को मिल नहीं रही है इसमें। चलिए हरकेश का सवाल लेते हैं। हरकेश शर्मा, इन्होंने पारस डिफेंस के शेयर खरीदे हैं 100 657 रुपये पे, क्या इनको एग्जिट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? लग रहा परेशान हो गए ये पारस डिफेंस, 657 पे लिया इन्होंने। मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले लिए होंगे तभी ये शॉर्ट टर्म का व्यू पूछ रहे हैं। और देखिए ध्यान रखिए स्टॉक अब अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, आई थिंक चांस लेना चाहिए। आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 664 कर लीजिए, क्योंकि अगर ये एक बार 710 रुपए के ऊपर निकलेगा नीरज जी तो जो नया टारगेट होगा वो 780 रुपए के आसपास का हो सकता है, तो बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, तो बने रहिए 664 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, NBCC काफी चल गया है, 96 पे 2000 शेयर लिए हैं TN26 ने, क्या लगता है आपको करना चाहिए इनको, रुकना चाहिए अभी? मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया। NBCC ओके, तो देखिए NBCC में रुकना चाहिए क्योंकि स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे ही 2 हफ्ते पहले सपोर्ट लिया, अब हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट पे दिखने लगे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो सिंपल सा ट्रेड है 120 रुपए के नीचे जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि शायद इस मूव में आपको 143-145 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। एंजल वन पे क्या राय मानस जी आपकी? इसने QIP किया था जब तब इसका प्राइस नीचे था, उसी दिन ये फिर 3000 गया, अब उसमें किसको अलॉटमेंट हुआ वो खबरें आई तो फिर 3% ऊपर आया, 100 रुपए ऊपर, 3100 को पार कर गया, क्या एंजल वन में अभी भी दमखम बाकी है क्या? बिल्कुल दमखम बाकी है क्योंकि करेक्शन कंप्लीट हुआ है, जो हमने करेक्शन देखा था करीब करीब 4000 रुपए से वो 2400 रुपए के आसपास थमा जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज आता था, अब स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। मेरे ख्याल से अब जो नया टारगेट होगा वो 3600 रुपए और उसके ऊपर वापस 4000 के स्तर आप देख सकते हैं, तो पोजीशन में बने रहिए, गिरावट पे खरीदारी करिए, आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 2800 के नीचे रहेंगे, 2800 रुपए के नीचे लगाने हैं, पोजिशनल टारगेट रहेंगे, स्टॉप लॉस टारगेट रहेंगे ये। दीपक हेमदेव, इन्होंने अडानी पावर के बारे में जानकारी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, स्टॉक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया पिछले कुछ दिनों में और आज भी 3% ऊपर, इसका 15 दिन का चार्ट दिखाई तो एग्जैक्टली दिखेगा, मेरे ख्याल में 20% की रैली हो चुकी है इसमें। अडानी पावर में लगता है आपको अभी इस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए किसी को? बिल्कुल, इस लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं, आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए। उसका कारण ये है कि पिछले 3 मंथ में हमने कंसोलिडेशन देखा बट फाइनली स्टॉक ने एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिखाया है, 580 का अहम रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो अब 520 के स्टॉप लॉस से आप फ्रेश खरीदारी करिए, पोजीशन में बने रहिए, 520 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन टारगेट आप बड़े सेट करिए करीब करीब 820 रुपए के, 820 के टारगेट अडानी पावर में आ सकते हैं। अच्छा, Z10 एंटरटेनमेंट में एक खबर आई कि इसके जो अभी इस समय मैनेजमेंट है पुनीत गोयनका, उन्होंने अपनी रिमेनरेशन में 20% की कटौती की है, 35 करोड़ लास्ट ईयर उन्होंने लिए थे, उसमें से 20% कम लेंगे इस साल। स्टॉक में थोड़ी सी आज हरकत दिखी थी लेकिन अब फिर से देखिए वो आ गया नीचे। सवाल है अशोक का, अशोक जी ने 200 शेयर खरीद रखे हैं 182 पे, क्या करना चाहिए इनको, मुनाफा होगा क्या?
देखिए आप मुनाफे की उम्मीद तब करें जब स्टॉक 160 रुपए के ऊपर निकले, 160 रुपए का लेवल ब्रीच हो जाए, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करने लगे, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि 195 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। बट अभी थोड़ा सा जल्दी है, हालांकि पिछले दो दिनों में स्टॉक ने परफॉर्म किया है, 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 10-डे मूविंग एवरेज जो कि 144 है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद आपको 160 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए बड़े मूव में। महाराज जी, क्या HDFC बैंक इस हफ्ते 1500 के ऊपर जाएगा? तो ये कहना मुश्किल है कि 1500 रुपए के ऊपर इसी हफ्ते जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मेरा समझना है कि स्टॉक ने बॉटम तो बना लिया है, और आपका नजरिया एक हफ्ते का नहीं, आपका नजरिया अब 2 से 3 मंथ का होना चाहिए, तो आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं अगर 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम हो, और 1600 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर आप पोजिशन बना रहे हैं तो 1440 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 1440 स्टॉप, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि 12 रुपए बाकी हैं, तो 2-3 दिन ट्रेडिंग है अभी, तो इतना तो चल जाना चाहिए। ओके, 3-4 दिन धीरे धीरे चल गया है तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि इसी हफ्ते हो जाएगा नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म बॉटम तो बना है, तो कोई डाउट नहीं। ओके, शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया। गौतम गौरव मित्तल जी का सवाल है कि IRB इंफ्रा के 10,000 शेयर उन्होंने 30 रुपये में खरीदे थे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है? कलकत्ता से उन्होंने सवाल भेजा है। मेरे ख्याल में ये स्टॉक काफ़ी चल गया, अभी तो 60 रुपये के आसपास होना चाहिए। IRB इंफ्रा, तो देखिए इतना पेशेंस उन्होंने दिखाया और शायद 70 रुपए तक के भाव भी उन्होंने देखे होंगे, उसके बाद फिर करेक्ट हुआ था स्टॉक, 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था, और फिर से अब नया मूव शुरू हुआ है। इस मूव में शायद आपको 72 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो पोजिशन में बने रहिए, 57 आपके स्टॉप लॉसेज रहेंगे। गर्मी आ रही है सर, कोल्ड ड्रिंक बहुत बिक रही होगी अब तो। वरुण बेवरेजेस पे राहुल का सवाल भी है, 100 शेयर इन्होंने ले रखे 1395 पे। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी वरुण बेवरेजेस की, और क्या स्टॉक ने परफॉर्म किया है। अभी भी लगता है आपको कि जिनके पास है वो बने रहे इसमें, और जो कोई नया खरीदना चाहता है तो वो खरीदे? देखिए पहले तो समझ लें ये निवेश का ही स्टॉक है, ये कोई ट्रेडिंग के लिए तो स्टॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस रहता है, और ऑलरेडी एक बड़ा मूव हमने देख लिया है, ये मेरे को याद है 300 रुपए से नॉन स्टॉप स्टॉक चला है पिछले करीब 4-5 हफ्ते में, स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया है, लेकिन उस कंसोलिडेशन में भी 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 20 वीक मूविंग एवरेज रहेगा, 1290 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करिए, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लगता है, और कंसोलिडेशन के बाद अगर 1500 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको 1780 रुपए तक के भाव भी शायद VBL में देखने को मिल जाएंगे, तो पोजीशन स्टॉप लॉस लगाइए 1290 का और पोजीशन में बने रहिए। 1290 के स्टॉप लॉस, फिर 1600 ऊपर जा सकता है। गर्मी की थीम वाले में पता नहीं डायरेक्टली इनको जोड़ना चाहिए नहीं, लेकिन देखिए कल देखिए AC वाले स्टॉक खूब चल रहे थे, और उसमें वरुण बेवरेजेस भी अब कह रहे बहुत हीट होगी, बहुत गर्मी होगी, तो कोल्ड ड्रिंक भी बिकेगी आई थिंक सो। खैर एनीवे देखना पड़ेगा इसको। चलिए अगला सवाल लेते हैं, मेरे नामा राशि है नीरज गर्ग, और इन्होंने हिंडालको पे सवाल पूछा है, 100 शेयर है इनके पास 576 के भाव के, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इनको व्यू चाहिए। तो देखिए हिंडालको पे मैंने आज मॉर्निंग में भी रिकमेंडेशन दिया था, क्योंकि ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो पोजीशन में बने रहिए, अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें, एक हफ्ते का टाइम फ्रेम लेके चलें, तो आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 568 के रहेंगे, 568 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए, मेरे ख्याल से आप स्टॉक 600 रुपए के लेवल्स को जल्द टेस्ट कर सकता है। ओके, सलील कुमार जी ने बेंगलोर से लिखा है और आपको नमस्कार भेजा है, MJ लिखा उन्होंने आपके लिए, कि आपका ओपिनियन चाहिए एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पे, 2000 शेयर उन्होंने ले रखे हैं, और उनको तो बहुत पहले इन्होंने लिए होंगे जब 20-25 रुपये का होता था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ये। तो देखिए एज की बात कर रहे हैं, ओके ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट तो ऑलरेडी 1500 रुपए के ऊपर देखने को मिला है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि जो ब्रेकआउट देखने को मिला है उसके टारगेट 1950 रुपए के आते हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन स्टॉक है, पोजीशन में आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, कभी गिरावट दिखे तो खरीदारी भी करनी चाहिए, आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो अब आपके स्टॉप लॉसेज रहेंगे 1310 रुपए के नीचे, 1310 के स्टॉप लॉस से आपको बने रहना है 1950 के टारगेट के लिए। ऑलमोस्ट 600% 2 ईयर्स में क्या रिटर्न बनाया है स्टॉक ने, 600%। चलिए बढ़िया, बने रहिए भाई इसमें, 1900 तक के लक्ष्य भी दिखेंगे सलील जी आपको। गौरव सेठी का सवाल है, इन्होंने SRF की कॉल ली है 2660 वाले स्ट्राइक प्राइस की 75 रुपए की, क्या ये 100 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड करें? तो बिल्कुल होल्ड करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, हालांकि कल छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन उससे कहीं जो ट्रेंड है वो डैमेज नहीं हुआ है, तो ट्रेंड पॉजिटिव है,
आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, कैश के लेवल्स ध्यान रखिए, 2580 सपोर्ट है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर की तरफ टारगेट 2750 के सेट करना है। ओके, सरोज जी का सवाल है, क्लीन साइंस पे 1375 पे ले रखे हैं 50 शेयर, क्या करें ये? तो 75 पे 50 शेयर लिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएं तो एक चीज दिखती है कि 1275 के नीचे स्टॉक जाता नहीं है, बहुत बार सपोर्ट लिया, वहां पर पुलबैक देखने को मिला है। उसका मतलब ये नहीं कि 1275 के नीचे जा नहीं सकता है, बट उसका मतलब केवल इतना है कि आपको 1275 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना है अपनी पोजिशन में। ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 1400 के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा, 1400 रुपए के ऊपर 1585 तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, कई लोग अपने सवाल रिपीट कर रहे हैं, जैसे BHEL पे एक बार राय दे दी मानस जी ने, तो वो राय बाकी लोगों के लिए भी अप्लाई होती, तो इसलिए मैं उनके सवाल दोबारा से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो रिपीटेशन होगा। अंजलि जोशी जी का एक सवाल लेते हैं, इन्होंने आइडिया फोर्ज के शेयर खरीदे हैं 1028 के प्राइस पर। देखिए यहाँ पर एक तो बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं दे पाऊंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म का ट्रेंड निगेटिव लगता है। अभी भी बीच में पुल बैक देखने को मिला लेकिन स्टॉक हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया। मेरी राय ये रहेगी कि 675 का आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, उसके नीचे जाए तो आपको अपनी पोजिशन से निकलना चाहिए, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड तभी पॉजिटिव होगा जब स्टॉक 775 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। ओके, मनोज नायक ने NMDC खरीदे हैं 219, और 200 शेयर 219 के भाव पर, क्या लगता है आपको? तो देखिए NMDC में स्टॉक ने 50-day मूविंग एवरेज को ब्रीच किया आज, और हायर टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं, तो आपने जो ट्रेड लिया थोड़ा सा हायर लेवल पे लिया है, लेकिन फिर भी बने रह सकते हैं। कैश के जो स्टॉप लॉसेज है वो 213 रुपए के रहेंगे, 213 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। आप उम्मीद करिए कि 220 का लेवल अगर ब्रीच होगा तो आपको 227 तक के भाव NMDC में देखने को मिल सकते हैं। ध्रुव परवानी ने लिए हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर्स, 250 शेयर, 2500, 250 के भाव पर शायद 2500 शेयर, तो ये देखिए क्या? स्टॉक ने सपोर्ट तो बहुत अच्छी जगह लिया नीरज जी, स्टॉक करेक्ट हुआ था 100-day मूविंग एवरेज और 20-week मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और फिर से वहां पर हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। आई थिंक चांस लेना चाहिए, पोजीशन में बने रहिए, ये पोजीशन ट्रेड होगा जहां आपके स्टॉप लॉसेस 189 के रहेंगे। ऊपर की तरफ एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 226 रुपए के आसपास, अगर वो एक बार क्रॉस कर जाएगा तो नया टारगेट 262 रुपए का रहेगा। तो स्टॉक में बने रहिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए 189 का। ओके, बहुत सारे सवाल हमने आज कवर किए, ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश की, कुछ रह गए होंगे तो हम लोग फिर फ्राइडे को उसको लेंगे। मानस जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जवाब देने के लिए सवालों के। तो चूंकि मार्केट में जो भी आप ट्रेड करें बहुत सावधानी से करें, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं जो मानस जी सुझा रहे हैं आपको, और नज़रिया बिल्कुल साफ रखें। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप देखिए माफ़ कीजिएगा, खिलाड़ी नंबर वन। यस, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।